चलो स्टार्ट करते हैं रेलवे सीरीज का दूसरा वीडियो और आज का टॉपिक है बैंक तथा उनके मुख्यालय। ठीक है, बात करते हैं मुंबई। मुंबई जो शहर है महाराष्ट्र में जो स्थित है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी है, यहाँ पर किस किस बैंक के मुख्यालय है? अपन एक ट्रिक बना सकते हैं, वह है ऑफ इंडिया। मैक्सिमम जो बैंक है जिनमें ऑफ इंडिया लगा हुआ है उनके जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है, इसका मुख्यालय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी मुंबई में है मुख्यालय। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। IDBI, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में ही है। और ये दो अलग बैंक है जिनमें ऑफ नहीं लगा हुआ, कौन कौन से हैं? देना बैंक और नाबार्ड बैंक। इन दोनों का भी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, याद रखना जिनमें भी ऑफ इंडिया लगा हुआ हो मैक्सिमम उनमें उनका मुख्यालय मुंबई में ही है। ठीक है, अगला बात करते हैं कोलकाता। कोलकाता बैंक, कोलकाता जो है उसमें कौन कौन से बैंक के मुख्यालय है? वह है अलाहाबाद बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। UCO, यूको बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और दूसरा बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और बंधन बैंक, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अब कोलकाता के लिए जैसे कैटरिक बनाए, जैसे यहाँ पे ऑफ इंडिया बनाए थे, यहाँ पे कैटरिक बनाए यूनाइटेड। यूको की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इसमें भी यूनाइटेड है और यहाँ पे भी यूनाइटेड है। जहाँ पे भी यूनाइटेड आ जाए वहाँ उनका मुख्यालय कोलकाता में है। यूनाइटेड यानी कि कलेक्ट, एकत्र, हाँ कलेक्शन। बंधन का मतलब क्या? एक दूसरे से जुड़े होना, कलेक्ट होना, यूनाइटेड होना, है ना, यूनाइटेड होना, एक दूसरे से जुड़े होना। तो बंधन भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा? यूनाइटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। ठीक है, मुंबई के लिए तो लग जाएगा क्या? ऑफ इंडिया। और कोलकाता के लिए लग जाएगा क्या? यूनाइटेड, यानी जुड़े हुए रहना, बंधन में रहना। ठीक है, बात करें नई दिल्ली। नई दिल्ली के कैसे याद करें? नई दिल्ली में कौन कौन से हैं, किन किन बैंक के हेडक्वार्टर्स है? पंजाब मेन सिंध बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक का भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय महिला बैंक, इसका भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, और IFCI, इसका भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसको कैसे याद करें? जैसे पंजाब नेशनल, जैसे दोनों पंजाब और सिंध, दोनों किस में चल जाएंगे? नई दिल्ली में। भारतीय महिला और नेशनल हाउसिंग बैंक और IFCI, इसका भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई की भी एक ट्रिक है, वो है इंडियन। इसमें भी इंडियन आ रहा है और इसमें भी इंडियन आ रहा है। ठीक है, तो इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुंबई के लिए क्या बात की थी हमने? ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया जिसमें लगा हो मैक्सिमम वो किस में चल जाता है? मुंबई में। जिसमें यूनाइटेड हो, बंधन हो, वो किस में चला जाता है? कोलकाता में। और जिसमें पंजाब एंड सिंध नेशनल बैंक ये सब हो, भारतीय महिला, ये किस में चल जाते हैं? नई दिल्ली में। और चेन्नई में क्या जाता है? इंडियन वर्ड आ जाता है, वो चेन्नई में चल जाते हैं। बात कर ले बेंगलोर, बेंगलोर में किस किस का है? कनेरा बैंक और विजय बैंक, इनको याद ही करना पड़ेगा। इसको कैसे याद कर ले? एक लड़का CA था, उनका उसका नाम विजय था और बेंगलोर चला गया, ठीक है, CA करने, ऐसे समझ लीजिए। कनेरा बैंक और विजय बैंक कहाँ पर है? बेंगलोर में, इनका मुख्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अलग बैंक है, ठीक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा बड़ौदा इसके नाम से इसे याद हो जाएगा, बड़ौदा बड़ौदा, तो इसका कहाँ पर है? वडोदरा में। ठीक है, सिंडिकेट बैंक कहाँ पर है? मणिपाल में। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र की साइड यानी कि पुणे में होगा। ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक, इसका कहाँ पर है? मैंगलोर में। ठीक है, और OBC का कहाँ पर है? गुरुग्राम, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, ISDBI का कहाँ पर है?
लखनऊ में, ठीक है। तो आज क्या क्या याद के लिए, इसमें ऑफ इंडिया लगा हुआ हो वो किस में चल जाते हैं, मुंबई में। इसमें यूनाइटेड लगा हो, बंधन लगा हो, किस में चल जाते हैं, कोलकाता में। इसमें इंडियन लगा हो वो चल जाते हैं चेन्नई में। इसमें सिंध नेशनल महिलाएं किस में चल जाते हैं, दिल्ली में। और बेंगलोर क्या बताया था मैंने, सी ए और वीजे, तो कनेरा बैंक और विजया बैंक किस में चल जाते हैं, बेंगलोर में। और बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा में, सिंडिकेट बैंक मणिपाल में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में, कॉरपोरेशन बैंक बेंगलोर में, ओबीसी बैंक गुरुग्राम में और SIDBI बैंक लखनऊ में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो अपनी सीरीज चल रही है ये रेलवे के लिए चल रही है, इसमें अपन RPF SI और कॉन्स्टेबल और ग्रुप डी को कवर करेंगे, ठीक है। और मैंने करंट अफेयर के वीडियो चल रहे, जिनका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो कोई वीडियो में, तो उसके आप यूट्यूब के पिक्सल्स बढ़ाओगे तो वहाँ पे वो आपको क्लियर दिखने लग जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश के अपना एडजेक्टिव और नाउन हो चुका है, और वहाँ पे अपन अभी वर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ब कंप्लीट हो गए आज, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एडजेक्टिव नाउन और वर्ब की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ताकि अपन को पता चल जाए अपने कितना पढ़ लिया, ठीक है। तो बस मिलते हैं अपने रेलवे की अगली सीरीज के पार्ट थर्ड में, थैंक यू। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम।